कॉपी ऑल टू डिवाइस, जो हमारा फाइल के अंदर डेटा है वो डिवाइस के अंदर पूरा कॉपी हो जाएगा। देखो अभी आपको पहले डिवाइस दिखा देते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हेलो फ्रेंड, देखिए आ जाना मैं आपको जो स्नाइडर की ये देखिए लिखा देख सकते हैं यहाँ पे PU20 जो रिले है, यदि आपके पास पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ है और सिर्फ आपको रिले में भेजना है तो किस तरीके से भेज सकते हैं, नया प्रोग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए आपको जैसे ही आपके पास जो भी प्रोग्राम है उसको ओपन करेंगे, इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे जो प्रोग्राम है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है। इसे चेक करके इसमें कोई चेंजिंग करनी है आप चेंजिंग करके, यानी कि ये ऑफलाइन आप इसमें जो प्रोग्राम आपका बना हुआ है उसे किस तरीके से इस रिले के अंदर भेजेंगे वो आपको आप इसमें सीख जाएंगे पूरा पूरा, ठीक है जी। तो उसके लिए देखें यहाँ पे जैसे भी कनेक्शन करेंगे जो हमारी प्रेजेंट रिले है वो यहाँ पे कनेक्शन के लिए मांगेगी। देखें यहाँ पे सर्चिंग करता है तो सर्चिंग तो यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आईपी एड्रेस रिले का है, हमने इसको लैन से कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। देखिए रिले का आईपी एड्रेस है, ये आप रिले के अथर रिले की जो कम्युनिकेशन में जाकर सेटिंग के अंदर जाकर के अथरनेट वाले पोर्शन में जाकर के वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं जो आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। अभी आपको सिस्टम में दिखा दूंगा मैं कहाँ पे आईपी एड्रेस है अपने इसमें कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, तो देखिए हमारे ये डायरेक्ट एकदम लॉगिन एंड पासवर्ड मांगता है, तो जिसका लॉगिन है वो इंस्टॉलर है, यानी कि कैपिटल आई होगा और इंस्टा ये सब स्मॉल रहेगा और डबल एल और ई आर और कैपिटल एल रहेगा इसमें, लेवल जो लेवल की स्पेलिंग होगी इस तरीके से होगी। यहाँ पे इसमें तीन लेवल होते हैं, एक लेवल होता है आपका ऑपरेटर लेवल, एक होता है आपका इंजीनियर लेवल, एक होता है आपका इंस्टॉलर लेवल, यानी कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और तो देखिए हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसमें, तो यहाँ पे ये EVEL आएगा, ठीक है जी, ये आएगा। इसका जो पासवर्ड है कैपिटल ए है 4 times, तो यहाँ पे 4 times कैपिटल ए इसमें डालेंगे और कनेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कुछ गड़बड़ी हुई है, इस टॉलर लेवल, देखिए हमने इसमें एस नहीं लगाया, इंस्टा होगा, इस एस एस आएगा इसमें, ठीक है जी। तो हमारे यूजर नेम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऐसा आएगा उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है जी। देखो अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। देखिए पहले हमने दूसरी रिले पे इसमें कनेक्टर, यानी जो हमारा जो अंदर का जो है प्रोग्राम है दूसरी रिले का है, तो इसलिए ये बोल रहा है कि ये दूसरी रिले का आपको कम्युनिकेट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो यहाँ पे डिवाइस बन के आ गया है, तो यदि यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो देखो जो हमारी फाइल है ये है हमारा ओरिजिनल जो हमने ओपन किया था पहले, वो हमारी फाइल ही है, और जो डिवाइस से हमने कनेक्ट किया प्रेजेंट डिवाइस ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस करने के बाद आप यहाँ पे इसको करेंगे फाइल करने के बाद फाइल को क्लिक करेंगे तो कॉपी ऑल टू डिवाइस जो हमारा फाइल के अंदर डेटा है वो डिवाइस के अंदर पूरा कॉपी हो जाएगा। देखो अभी आपको पहले डिवाइस दिखा देते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डिवाइस है। स्केलिंग में जाएंगे, देखो यहाँ पे 100 डला हुआ है, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद कॉपी अच्छा ये कह रहा है कि पहले पूरी ये डेटा रीड करने तो तभी ये हो पाएगा, तो पहले ये पूरा हो जाने तो नीचे का प्रोसेस है जो, देखो ये पूरा हो गया तो अब यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखो ये हो रहा है कॉपी, देखो कॉपी हो गया, अभी फाइल डिवाइस के अंदर जाएंगे, देखो यहाँ पे चेंजिंग दिखा देगा, देखो यानी ये वाली चेंजिंग हुई है। अगर आप मैट्रिक्स में जाएंगे तो जहाँ भी चेंज हुआ है वो दिखा देगा, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है, ये ब्लू वहाँ पे आ जाएगा। देखो प्रोटेक्शन के अंदर जाएंगे, जहाँ पे जो भी चेंज हुआ है यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है जी। देखो चेंज हुआ है, ब्लू आ रहा है, ठीक है जी, मतलब ये जो हमारे फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो यहाँ पे सारा इसके अंदर आ गया है। वो डायरेक्ट आप यहाँ पे इस पे राइट पे क्लिक करके यहाँ से डेटा रीड कर सकते हैं रिले के अंदर से, ये यहाँ पे राइट टू ऑल कर देंगे, तो हमारा जो डेटा है ये कह रहा है कि जब इसमें पूरा डेटा चला जाएगा तो उस कंडीशन उसके बाद ही रिस्टार्ट हो जाएगी। तो हमने इसको यस कर दिया, बिना यस अगर यस नहीं करेंगे तो डेटा पूरा से अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो देखें यहाँ पे डेटा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे ही डेटा चला जाएगा
उसके बाद जो भी पुराना डेटा था, पुराना जो हमने खोला था डिवाइस, वो पूरा डेटा इसके रिले के अंदर चला जाएगा। यानी कि सेम टू सेम जो पुरानी रिले थी वही सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन इस रिले के अंदर पहुंच जाएंगे। तो देखो जैसे डेटा कंप्लीट होता है ये रिले भी हमारी कॉन्फ़िगर यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 100% लिखा आ गया है, बट अभी धीरे धीरे जा रहा है देखो, ठीक है जी। ये पूरा उसके बाद रीड डेटा करेगा तो रिबूटिंग हो गई है। डेटा जानने के बाद रिले रिबूट हुई है, यानी कि रिस्टार्ट हुई है, जिसको रिस्टार्ट बोलते हैं। देखो डेटा चले गया है तो यहाँ पे ग्रीन हो गया है, पहले ब्लू था ना, डेटा अंदर नहीं गया था। तो जो भी डेटा इसके अंदर चला गया वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। देखिए अभी जर्नल में जाएंगे, स्केलिंग में जाएंगे, अभी डेटा रीड कर रहा है तो तभी इधर आएगा। देखो स्केलिंग में जाएंगे, देखो पूरा यहाँ पे सेट हो गया है, डिवाइस का डेटा दिखा रहा है ये, ठीक है जी। तो इस तरीके से वाली रिले भी हमारी कॉन्फिगर हो गई है। तो इसको करते हैं हम यहाँ पे बंद। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसमें जो ओल्ड रिले का आपका डेटा रहता है, नई रिले के अंदर सेम टू सेम जो प्रोग्राम होता रहता है वो भेज सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर बार सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।